हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? दिस इज प्रोफेसर चिराग शुभ्रानी फ्रॉम जीनियस इन मेकिंग एकेडमी, और आज आपके लिए वापस से नए वीडियोस बनाने के लिए हम लोगों ने तैयारी चालू की है. सो टुडेज डिस्कशन, जो मेरे सामने बार बार स्टूडेंट सीएस एग्जीक्यूटिव के पूछ रहे हैं, इज अबाउट एविडेंस एक्ट. सो मोस्ट ऑफ यू आर कंफ्यूज अबाउट कि एविडेंस एक्ट के अंदर जब हम लोग टाइप्स ऑफ एविडेंस की बात करते हैं तो उसमें पर्टिकुलरली दो वर्ड्स बार बार यूज हो रहे हैं, या फिर मैं बोलूं हर जगह पे आप लोग मल्टीपल जब अलग अलग एक्ट के अंदर पढ़ते हो तो ये दो वर्ड्स आपको यूज सुनने में आ रहे हैं. वन इज प्राइमा फेसी एंड सेकेंड इज कंक्लूसिव एविडेंस. तो आपने दो टर्म्स बार बार सुनी, एक सुन रहे हो प्राइमा फेसी एविडेंस, दूसरा सुन रहे हो कंक्लूसिव एविडेंस, एंड हर बार लोग कंफ्यूज हो रहे हैं कि कैसे प्राइमा फेसी एविडेंस को कंक्लूसिव एविडेंस से अलग करना है. तो नाउ फॉर दैट पर्पस फर्स्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड, अगर अपन लोग एकदम लेमन लैंग्वेज में बात करते हैं, मैं आपको उसमें एक एग्जांपल भी देता हूं और उसके बाद मैं आपको एक सैलरी डेफिनेशन भी देता हूं इसकी, विच विल हेल्प यू क्लियर द डाउट. व्हेन यू से प्राइमा फेसी का मतलब होता है ऊपर से देख देख के. व्हेन यू से प्राइमा फेसी, इसका मतलब होता है ऊपर से देख देख के. जस्ट टू से कि अगर आप लोग कहीं पे जा रहे हैं और आपने किसी को देखा, आपने कहा या देख के ऐसा लगता है, अभी तक आप श्योर नहीं हो बट हाँ आपको लगता है कि मोस्टली ऐसा ही होगा, दिस इज कॉल्ड प्राइमा फेसी. जहां पे अपन लोग 100% श्योर नहीं है पर एक बार के लिए आइडिया ऐसा आ रहा है कि ऐसा ही होगा. नेक्स्ट अप इज कंक्लूसिव एविडेंस. कंक्लूसिव एविडेंस का मतलब क्या होता है? जहां पे आपको दूसरे कोई सवाल की जरूरत ही नहीं, दूसरे कोई प्रूफ की जरूरत ही नहीं, यू आर क्वाइट श्योर कि भाई ये एविडेंस है, ये पक्की बात है, यही हुआ है, इसमें आपको किसी और से पूछने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी. नाउ लेट्स टेक एन एग्जांपल. अभी अपन इसको एकदम फन लविंग वे में करते हैं, प्राइमा फेसी और कंक्लूसिव को. नाउ लेट्स सपोज आप लोगों को खुद समझ पाएगा, दोनों से अटैच करने की कोशिश करेगा. मेरा एक फ्रेंड बाहर गया, रस्ते पे चल रहा था, एक लड़की ने उसकी तरफ देखा, लड़की उसको देख के मुस्कुराई. पॉज. अब इस सीन में अपन साइड में आ जाते हैं, हमने क्या देखा? एक फ्रेंड ने बाहर वॉक कर रहा था, एक लड़की ने उसको मुस्कुरा के देखा. अब ऊपर ऊपर से देख के क्या लग रहा है? ऊपर ऊपर से देख के लग रहा है सर कि लड़की भी लड़के को पसंद करती है. नाउ व्हाट इज प्राइमा फेसी? ऊपर ऊपर से देख के लग रहा है कि लड़की भी लड़के को पसंद करती है. पक्का है क्या? भाभी बुलाना चालू कर दोगे? अभी तक नहीं, भाभी नहीं बुलाएंगे अभी सर, अभी तक तो हमें डाउट आया है क्योंकि वो भी मुस्कुराई. अब वापस से वीडियो क्लिप. अब मेरा फ्रेंड ओवर एक्साइट हो गया, उसने कहा कि यार देख के तो लग रहा है कि वो मुझे पसंद करती है, क्या मैं जाके पूछ लूं, क्या मैं जाके बात कर लूं. पर मेरा दोस्त कुछ प्यार में ज्यादा ही जल्दी आशिक बना, वो दौड़ के गया लड़की के सामने, एक गुलाब निकाला, गुलाब निकाल के घुटनों पर बैठ गया और बोला आई लव यू. पॉज. यहां तक कुछ पता पड़ रहा है? नहीं सर, अभी तक तो उसने प्रपोज किया, वी आर नॉट श्योर कि क्या हुआ. वापस से वीडियो प्ले करेंगे. वीडियो प्ले किया और लड़की ने घुमा के एक थप्पड़ मारी. नाउ पॉज. ये थप्पड़ जब सर उधर उनके मुंह पे पड़ा, एक बात बताइए, क्या अब वो बंदा ऊपर उठ के लड़की से पूछेगा कि मैं ना समझू, या फिर वो थप्पड़ एक कंक्लूसिव एविडेंस था कि लड़की ने मना कर दिया. सो इन दिस एग्जाम्पल व्हाट यू गेटिंग? पहले वाले केस में हमें सिर्फ देख के लग रहा था, हम श्योर नहीं थे, अगर कुछ नहीं हुआ होता तो हम मान लेते कि शायद वो लड़की हमें पसंद करती थी. सेकेंड वाले केस में जब थप्पड़ पड़ गया, इट वॉज कंक्लूसिव. क्या इसके आगे कुछ बोलने की जरूरत थी या फिर सुनने की जरूरत थी? नहीं. सो दैट इज कंक्लूसिव. अब आता हूं मैं इसकी बेरैक लैंग्वेज के ऊपर. व्हेन यू से और व्हेन यू टॉक अबाउट प्राइमा फेसी एविडेंस, दीज आर एविडेंसेस व्हिच आर एज गुड एज अ फैक्ट, व्हिच आर एज गुड एज अ फैक्ट एंड व्हिच विल बी बिलीव्ड. हम इस पे विश्वास करेंगे अंटिल एंड अनलेस कोई स्ट्रॉन्गर एविडेंस, अंटिल एंड अनलेस कोई स्ट्रॉन्गर एविडेंस इसको आके गलत प्रूव कर दे. तो प्राइमा फेसी का मतलब क्या हुआ कि एक तरीके से फैक्ट है, बिल्कुल सही है, इसमें कोई झुटलाव नहीं है, पर इनकेस अगर हमें कोई डाउट आता है तो अभी तक हम 100% श्योर नहीं है इस एविडेंस पे. अगर कोई और फैक्ट नहीं मिला, कोई और एविडेंस नहीं मिला तो इसी को मान लेंगे भाई सबसे पक्का एविडेंस है और इसी के ऊपर आपका केस डिसाइड हो जाएगा. पर अगर कोई स्ट्रॉन्गर एविडेंस मिला तो ऐसा भी हो सकता है कि ये जो प्राइमा फेसी एविडेंस है इसको साइड कर दिया जाए और जो स्ट्रॉन्गर एविडेंस मिला है उस पर रिलाई कर लिया जाए. नेक्स्ट अप कंक्लूसिव एविडेंस. एज द नेम सजेस्ट, इफ यू सी इट सेज कंक्लूसिव. तो कंक्लूसिव का मतलब क्या होता है? जिसने कंक्लूड कर दिया यार, जिसने कंक्लूड कर दिया है. इट सेड भाई मेरी तरफ से नक्की है, दिस इज द फाइनल एविडेंस. व्हेन यू गेट अ कंक्लूसिव एविडेंस आपको कोई और सपोर्टिव एविडेंस की जरूरत नहीं पड़ती, इस एविडेंस ने आपका काम कर दिया है. बेस्ड ऑन दिस एविडेंस द फाइनल डिसीजन कैन बी अराइव्ड.
बेस्ड ऑन दिस थिंग द फाइनल डिसीजन कैन बी अराइव्ड. सो आई होप कि आप लोगों को इन दोनों का प्रॉपर डिफरेंस अब समझ में आ गया है. अच्छा, अलॉन्ग विद दिस आई एम मेकिंग डिफरेंट डिफरेंट वीडियोस एंड अदर फैकल्टीज एट जीएस इन मेकिंग आर मेकिंग डिफरेंट डिफरेंट वीडियोस. फॉर दैट यू कैन सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड ऑल्सो गिविंग अ लिंक ऑन दिस वीडियो रिगार्डिंग जीनियस इन मेकिंग्स ऐप, जिसके अंदर आप सारे एमसीक्यूज प्रैक्टिस कर सकते हो जो लोग फाउंडेशन के लिए जा रहे हैं. आपके एग्जीक्यूटिव में किस तरीके के आंसर्स एक्सपेक्ट किए जाते हैं हमने उसको भी अपलोड किया है, तो आप देख सकते हैं कि कौन से आंसर्स है, कैसे आपको उनको लिखना है. अलॉन्ग विद दिस हमने जीनियस इन मेकिंग की उस ऐप पे ही सब कुछ क्यूरेट कर दिया है और हमने सारे वीडियोस भी वहीं पे अपलोड कर दिए. तो जो भी हमें सारे इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप लोग रेज करते हैं, जो भी इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जो हमें लगते हैं कि आपके एग्जाम्स के लिए बहुत जरूरी है, हमने सारे के सारे वीडियोस को वहां पे अपलोड किया है और टाइम टू टाइम अपडेट करते जाएंगे बिफोर यू गो फॉर योर फाइनल एग्जाम्स. सो माय रिकमेंडेशन इज कि मैंने नीचे जीआईएम की ऐप का लिंक भी दिया है, आप उसे डाउनलोड करिए और बार बार उसे अपडेट करते रहिए व्हेनेवर यू गेट एन अपडेट ऑफ द ऐप, क्योंकि हर बार हम उसके अंदर कुछ ना कुछ नया अपडेट करेंगे फॉर योर बेनिफिट. चलिए, थैंक यू.